सो हेलो एंड वेलकम पीपल, दिस इज एंकर आंजनेय एस रॉय और आप देख रहे हैं इस वक्त बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज हम बात करने वाले हैं द केरला स्टोरी की। केरला स्टोरी तो आप जानते होंगे, हर जगह देश में पूरे के पूरे तरफ जितना भी आपने देखा होगा हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम चल रहा है अभी मूवी के नाम पे, वो है द केरला स्टोरी। क्योंकि कहानी ही इतनी इंपैक्टफुल है कि हर जगह बातें चल रही हैं तो केरला स्टोरी के बारे में चल रही हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन्स की जो सेटअप है, जो कि इतना मजबूती से दिमाग पे इम्पैक्ट करती है केरला स्टोरी, धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन, और जो केरला से एक ये ओजी स्टोरी निकल के हमारे सामने बाहर आई है, हर जगह चर्चा का विषय तो ही बना हुआ है। लेकिन आज हम जो जिस बात पे चर्चा करने वाले हैं वो इसकी कहानी के बारे में नहीं है, वो होने वाला है इसके बॉक्स ऑफिस, इसके कमर्शियल बिजनेस के ऊपर कि आखिर स्टोरी तो अच्छी है लेकिन कमाई कितनी हो रही है, वो भी तो जानना है बहुत ज़रूरी। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं ये वीडियो बताने के लिए कि आखिर कितना कमा रखा है केरला स्टोरी ने। तो आपको बताना चाहेंगे कल 17वां दिन था और 17वें दिन पे इसने थोड़ी सी बस चूक रह गई थी, नहीं तो 200 करोड़ कल ही हो जाता। कल इसने अपना डे को एंड किया 198.3 करोड़ पे और आज 18वें दिन पे 200 करोड़ इसने क्रॉस कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है केरला स्टोरी के लिए। आपको बताना चाहेंगे पठान के बाद केरला स्टोरी दूसरी ऐसी पिक्चर है 2023 की जिसने इतना बड़ा ओपन किया है। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे जिस हिसाब का ये जो आउटपुट निकल के आया है, अदा शर्मा और सुदीप्तो सेन की ये जो जोड़ी बन के निकली है और उसके बाद जो ये आउटपुट आया है, इतना बेहतरीन आउटपुट, इतने लोगों की तरफ से अप्रिशिएशन मिलना, इट्स रियली कमेंडेबल। साथ ही आपको बताना चाहेंगे जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रखी थी, इतने सारे एलिगेशन और इतने सारे हेटर्स होने के बावजूद मूवी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो अभी भी ये बात कहीं बहुत हद तक जाहिर होती है कि अगर स्टोरी अच्छी है तो आप कितना भी उसको बॉयकॉट कर लें, कितना भी उसको आप हेट कर दें, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म करेगी ही करेगी। 200 करोड़ इज़ रियली अ कमेंडेबल नंबर और इतने सारे एलिगेशंस और इतने सारे केसेस बनने के बावजूद अगर पिक्चर ऐसा प्रमोट कर रही है बिना किसी मेगा स्टार या सुपर स्टार के होने के बावजूद, तो रियली स्टोरी में तो दम है। अगर आपने अब तक नहीं देखी केरला स्टोरी तो आप भी जाके देखिए केरला स्टोरी और आप बताइए आपको कैसे लगी है केरला स्टोरी, कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्या लगता है कितना जस्टिफाई करता है ये 200 करोड़ का नंबर द केरला स्टोरी के लिए, साथ में ये भी बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, लाइक करिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो। और इसी तरह की और टीवी और बॉलीवुड की खबरों को सुनते और देखते रहने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन। एज एन एक्टर आई थिंक जितने सारे करोड़ फिल्म कमा रहा है जस्ट मीन्स कि और लोग जाके आपकी फिल्म देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज हम लोग फिल्म ऑडियंस के लिए बनाते हैं तो उनको अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी मूवी सक्सेसफुल हो गई एंड थैंक यू, मुझे भी शामिल आपने किया आपके सक्सेस में।